सर्विस करने की मेन प्रॉब्लम होती है वो इसलिए आती है क्योंकि आपके जो एक एयर वेंट्स वाले होते हैं, मतलब एयर फिल्टर्स होते हैं, इनमें डस्ट जमा हो जाती है, तो एयर पास ना होने के कारण आपके ऐसे प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। तो जल्दी से इनको मैं वॉश कर देता हूँ। दोस्तों, गर्मियों का सीजन अब आ चुका है। अगर आप भी अपने एसी की सर्विस करने का प्लान कर रहे हैं और आप परेशान हो गए हैं बाहर से एसी सर्विस करने वाले को बुला के, क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं मिलती है कि वो प्रॉपर सर्विस करते हैं या नहीं, और आपसे वो 600-700 रुपये ले जाते हैं क्लीनिंग का, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद सेल्फ सर्विस अपने एसी की कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो अगर आप सामने देखें, ये है मेरा स्प्लिट एसी वर्लपूल का। अगर आपके घर में किसी और ब्रांड का भी लगा है तो सेम ही स्टेप फॉलो होते हैं सेल्फ सर्विस के, और जो आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा आप उनको केयरफुली देखेगा और आप भी अपने घर में खुद अपनी एसी की सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। तो सर्विस करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने एसी को ऑफ कर दें मेन पावर सप्लाई से। तो मेरे केस में मेन पावर सप्लाई एमसीबी के थ्रू आ रही है, तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है, तभी आप सेल्फ सर्विस का करने का सोचें। उसके बाद आपको करने क्या होता है, आप अगर अपने इंडोर यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में कोने में आपके यहाँ पे क्लिप्स लगे होंगे। अगर मैं हल्का सा पुश करूंगा तो आप देखेंगे ये खुल जाएगा। वैसे अगर मैं सेम चीज़ अपने राइट साइड में करूं तो ये लॉक खुल गया। तो आप देखेंगे एक लॉक यहाँ पे लगा है, 2, 3 और ये एक लास्ट 4। तो हल्का सा पुश करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। इसके बाद इसको ऊपर कर दें, और उसको ऊपर करने के बाद आपको जो यहाँ पे फिल्टर दिख रहे हैं इन फिल्टर्स को निकाल लीजिए। तो मेरे केस में देखेंगे इतनी इसमें डस्ट जमा नहीं है। हो सकता है अगर आपके घर में डस्ट वगैरह आती रहती है बाहर से आउटडोर से, तो यहाँ पे पूरी डस्ट वगैरह जमे हो, तो इसको बाहर निकाल लें। तो उसको हल्का सा पुश करेंगे ऊपर से तो ये बाहर आसानी से निकल आएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये मेरी कॉइल आ गई। अब इसको क्लीन कैसे करते हैं वो आपको आगे बताता हूं। ऐसे सेम आप अपने राइट साइड के भी फिल्टर को बाहर निकाल लें। तो मैंने दोनों साइड के फिल्टर हटा दिए हैं। अगर आप मेरे केस में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कंडेंसर वाली कॉइल है ये एकदम क्लीन है, बट अगर आपके केस में गंदी हो तो आपको करना क्या है, आप नलके में पानी की पाइप लगाएं और प्रेशर से यहाँ पे पानी को मारें। आपको जो इस साइड वाला एरिया है कॉम्पोनेंट वाला, यहाँ पे पानी को नहीं मारना है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट होते हैं, तो अगर पानी यहाँ पे चला गया तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो जाए। तो आपको केयरफुली इस वाले एरिया में पानी का प्रेशर मारना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जितना पानी का प्रेशर मारेंगे सारा का सारा यहाँ से पानी अंदर से होता हुआ, जो आप वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ से होता हुआ, जो आपकी जो एग्जिट पाइप होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा अगर आपने यानी पाइप लगा रखी है अपने स्प्लिट एसी में। और थोड़ा बहुत पानी जो होगा अगर हल्का फुल्का होगा वो नीचे हल्का से गिर जाएगा, तो आप नीचे पोचा वगैरह लगा के वो क्लीन कर सकते हैं। बट मेरे केस में ये जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो एकदम क्लीन है। अगर आपके को भी लगे कि आपका जो कंडेंसर कॉइल है वो क्लीन है, तो फिर आपको पानी मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसके जो फिल्टर्स हैं उनको ही वॉश करके क्लीन कर ले। तो इन फिल्टर को क्लीन करने के लिए मैं करूँगा क्या, जो वॉशरूम वगैरह में आपका स्प्रे जेट होता है उससे यहाँ पे मैं फिल्टर करूँगा, तो जो भी डस्टिंग वगैरह है वो सारी निकल जाएगी। तो अभी तो मेरे केस में आप दिख रहे हैं क्लीन है। और मोस्टली केसेस में होता क्या है, जो आपके एसी में सर्विस करने की मेन प्रॉब्लम होती है वो इसलिए आती है क्योंकि आपके जो एक एयर वेंट्स वाले होते हैं, मतलब एयर फिल्टर्स होते हैं, इनमें डस्ट जमा हो जाती है, तो एयर पास ना होने के कारण आपका एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। तो जल्दी से इनको मैं वॉश कर देता हूँ। फिल्टर को वॉश करने का नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि मैं आउटडोर यूनिट पे चलता हूँ और आपको आउटडोर यूनिट की कंडीशन दिखाता हूँ। अब आउटडोर यूनिट के कवर को ओपन करते हैं और इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यूजली मैं करता क्या हूँ, आउटडोर यूनिट में डस्ट वगैरह ना इकट्ठा हो तो उसको सीजन के बाद मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो इसको कवर उतार के मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है, तो आप देखेंगे पानी वगैरह से पूरा साफ हो चुका है। आप भी अगर इसको वॉश करें तो अच्छे से आउटडोर यूनिट को वॉश करें, क्योंकि इसकी जो कॉइल होती है उसमें अगर डस्ट वगैरह जमा हो जाएगी तो अंदर की जो हीट बाहर आती है वो बाहर पंखे के थ्रू बाहर निकल नहीं पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से कूलिंग करें, आपका इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट मिलकर ढंग से काम करें, तो उस केस में अच्छे से क्लीन करें। इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे एसी की गैस कैसे फिल की जाती है और कैसे चेक करते हैं लीकेज वगैरह और कैसे आपको पता लगाना है कितनी गैस भरनी है, वो आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। आउटडोर यूनिट की वॉशिंग कर लेने के बाद अब मैं जल्दी से क्या करता क्या हूँ, इसके जो फिल्टर्स हैं जिनको मैंने धो के सूखने के लिए रख दिया था, अब वो सूख चुके हैं, उनको यहाँ पे लगा देता हूँ और उसका जो ऊपर का कवर था उसको भी बंद कर देता हूँ। फिल्टर को मैंने लगा दिया है जो आप देख पा रहे हैं, और अब एकदम क्लीन हो गया है, तो कोई भी डस्ट वगैरह नहीं दिख रही है। अब इसके कवर को भी कवर कर देते हैं ऊपर से। चलिए अब एसी को ऑन करते हैं एमसीबी से। जैसे मैंने आपको बताया था तो मैंने ऑफ करके थी एमसीबी, इसको ऑन करते हैं। और रिमोट से भी इसको मैं ऑन कर देता हूं।
तो एसी ने एयर को थ्रू करना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है आपको वीडियो में आवाज़ वगैरह या हवा का तो महसूस नहीं हो सकता, बट आपको आवाज़ वगैरह ना आ रही हो। तो दोस्तों आप भी अपने घर में इस तरीके से अपने स्प्लिट एसी की सर्विस खुद कर सकते हैं, आपको कोई बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। वो भी सेम इसी तरीके की सर्विस करते हैं जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में करके दिखाई है। वैसे अगर आपके घर में विंडो एसी है उसकी भी सर्विस सेम इसी तरीके से करनी होती है। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एसी में खुद गैस वगैरह फिल कर सकते हैं और कैसे लीकेज वगैरह चेक कर सकते हैं और कैसे आपको पता चले कि एसी में गैस कम है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।